मैं मेघा राज, आप देख रहे हैं टाइम। इस समय मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा की केयर सोसाइटी के मंदिर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप शिवरात्रि का महापर्व है और यहाँ पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, लोग पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। अब मेरे साथ यहाँ के पुजारी भी उपस्थित है, आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं आज की पूजा का क्या कार्यक्रम। आप बताइए अभी कब से कार्य कर रहे हैं? आज भगवान भोलेनाथ का जो है विवाह हुआ माता पार्वती के साथ, तो इसलिए जो है शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इसमें रात्रि दोनों राताओं की पूजा हो सकती है। दूध जल मेलपत्र नतूरा भगवान विभान दही शहद इत्यादि से अनेक मनोकामनाएँ संतान सुख आर्थिक सुख ये सभी व्यक्ति प्राप्त होते हैं। आज बहुत ही पुण्य दिन होता है, जिससे एक दिन बेलपत्र चढ़ाने से ही समस्त जीवन का जो है पाप पूर्णत हो जाता है। और भगवान महादेव एक लोटा जल से ही या दूध से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है सभी को सुख समृद्धि इत्यादि प्रदान करते हैं। रोग बाधा इत्यादि से होती है और भगवान का नाम लेने से ही होगा, शिवाय के जब करने से ही सभी भक्तों का कल्याण होगा। आप सभी श्रद्धालुओं को क्या आपके संदेश देना चाहेंगे कि प्रार्थना किस तरह से मनाएं, जो मतलब घर पर भी कुछ लोग आ नहीं सकते हैं, वो सभी लोगों नमः शिवाय का घर में जप करें। और अगर वहाँ शिवलिंग हो घर में तो उसमें जल बेलपत्र जो दूध इत्यादि चढ़ा सकते हैं, नहीं तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते ही करें। आज अगर जल अभिषेक की बात करें तो कब से कब तक होगा, टाइमिंग क्या है? सुबह से लेकर के अगले दिन 24 घंटे की यानी 8 प्रहरों की पूजा होती है, तो कोई ऐसी समस्या नहीं। सुबह से लेकर के अगले दिन सुबह तक पूजा की जा सकती है ब्रह्म मुहूर्त से ब्रह्म मुहूर्त तक। तो जैसा कि पंडित जी ने कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व है, आप महामृत्युंजय का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और पूजा कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं वैदिक रीति के द्वारा पूजा की जा रही है, जल अभिषेक किया जा रहा है, भगवान को फूल पत्ती बेल अर्पित की जा रही है, अर्पण किया जा रहा है। आइए जानते हैं आपके सत्कार। सर आप क्या कहना चाहेंगे, ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और सबसे पहले मैं कहूँगा हर हर महादेव। प्रभु को याद करते हुए हम लोग आज महाशिवरात्रि मना रहे हैं। प्रभु की शादी हुई थी इस दिन माँ पार्वती के साथ है। ये देव की सोसाइटी है, एक बहुत छोटी सोसाइटी है, लेकिन बहुत ही यहाँ पे आपस में सौहार्द और बहुत ही प्यार सब लोग मिलकर मनाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से मनाया जा रहा है, हमारे पंडित जी हैं कि सब लोग साथ में हैं। आप अर्पित कर रही है भगवान को, तो ये बताएंगे आपके हाथ में क्या है? ये फूल हैं और देवा वगैरह है ऐसा माना जाता है। हम लोग मानते हैं कि ये सब चढ़ाने के बाद प्रभु प्रसन्न होते हैं और हम सब पर आशीर्वाद बरसाते हैं, तो बस वही सब हम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे महाशिवरात्रि के पद पर, किस तरह से पूजा कर रहे हैं? महाशिवरात्रि पर्व एक तरह से शिव जी की और पार्वती जी के जो विवाह का तौर पर हम मनाते हैं, और इस दिन हर्षोल्लास से हमारी सोसाइटी मनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी लोग सुबह से निरंतर और ये शाम तक और रात तक पूजा चलती है। यही है मधुर मंदिर हमारी सोसाइटी है। बेसिकली भारत सरकार का उपक्रम है गेल इंडिया लिमिटेड, उसके कर्मचारी और अधिकारियों का सोसाइटी है और इसमें उनके एम्प्लॉई और कुछ हमारे जो है किराएदार भी रहते हैं। तो हम लोग मिलजुल के पर्व जो है जितने भी हमारे रहते हैं साल में हम सब मनाते हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, बहुत ही हम सब जानते हैं कि बाबा भोलेनाथ का इस सृष्टि के निर्माण में हमेशा उन्होंने जनमानस पर अपना आशीर्वाद कृपा बरसा के रखी है, और जिसकी वजह से आज हम लोग जो है इस धरती पर जो है विराजमान हैं और धरती पर हम लोग रह रहे हैं, और बगैर उनकी अनुकंपा और आशीर्वाद के कुछ भी मुमकिन नहीं है। इस दिन सब लोग व्रत रखते हैं और भोलेनाथ जी को बिलपत्र है और फल फ्रूट इस तरीके से जो है जल पंचगव्य
और दूध से स्नान कराते हैं और लोग व्रत रखते हैं। आज सभी लोग आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में घरों से निकल के सुबह से ही पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है और 12 बजे से एक हमारा सोसाइटी का तरफ से जो प्रबंधन समिति है मंदिर की उसकी तरफ से एक रुद्राभिषेक आचार्य जी द्वारा कराया जाएगा और 3 बजे से महिलाओं द्वारा भोलेनाथ जी की सेवा में जो अपने भजन कीर्तन सत्संग का आयोजन किया जाए। इस सोसाइटी की विशेषता रही है कि हम सारे कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम जो है अनुष्ठान सभी मिलजुल के और एक साथ बनाते करते आए, ये परंपरा रही है और यही परंपरा हम चाहते हैं हमेशा आगे रहे और हर्षोल्लास से हम एक से बढ़ के एक आयोजन करते रहे। धन्यवाद। जैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, ये जो विशेष शिवरात्रि इसको महाशिवरात्रि कहते हैं, इस शिवरात्रि के दिन अगर हम पूरे दिन पूजा अर्चना करके सामूहिक रूप से और रात को शिव भगवान की पूजा करें तो कहा जाता है कि इससे हमको मोक्ष प्राप्ति में बहुत सहायता मिलती है। तो आज का एक वक्त बहुत विशेष होता है और आप जैसा देख रहे हैं कि इसको पूरे उत्साह से यहाँ पर मनाया जा रहा है। ओम ृष्टिशांतिरापांतिरौर श्रीगणेशाय नमः। प्रार्थना गुरुकुम नमस्कारां समर्पयामि ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ बाणेन्द्रगर्भाभ्यां नमः। ॐ श्रीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुटदेवताभ्यो नमः। रामदेवताभ्यो नमः। इष्ठानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सुरभ्यो देवीदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवान् महादुर्गस्वां कर्तुं प्रार्थना करेंगे। ॐ सुखश्चैकदन्तश्चागमलोकविकारकः सर्वदा सर्वकार्येषु वासुदेवं मङ्गलं येषां भवन्तं भगवान् मङ्गलाय नमः। हरिः नयात्मकी गुरुये कैसे रखिए। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ॐ विष्णु विष्णुराध्यायुद्वारा कल्पेवे भारतवर्षे भारतखण्डे राजधान्यां निकटवर्ति क्षेत्रे ग्रेटर् नोएडानां महानगरे ये सोसायटि मन्दिरे परिसरे मातानवमस्य मासे महामङ्गलदे मासे अद्यसि फाल्गुन्मासे सुरे कृष्णपक्षे चतुर्दशीयां महापुण्यदेवाते महापुण्यपर्वे अमुकगोत्रोत्पन्नं गोत्राणां विचारः पुलिसपरिवारस्य कल्याणार्थे सुखवृद्धि शान्ति स्थापनार्थे भगवान् महादेव महामृत्युञ्जय आशीर्वाद प्राप्यन्ते। इच्छित कामना सिद्ध्यर्थे शिवरात्रि महापुण्य पर्वे रुद्राभिषेक दुग्ध धारण अहम सपरिवारस्य कल्याणार्थे करिष्ये। ॐ श्रीशङ्करं सिद्धशुभं शुभां भवतु। महादेव जी का ध्यान करो। गणेश जी का कार्तिक ओम गजाननम बोधगणाधिशेवितम कवित्रजम्बूफलदानभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम।
विनायकं गुरु मानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्येषु सिद्धये ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ओम श्री भगवते महादेवाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्तम नमः नमः भगवते भद्राय नेता व्रतात्मधाम ओम आशोषि सालो विघवो न भीमो घनघनः चोबलचर्घणीनाम् सङ्ग्रन्दनो निमिष एकवीरवंशाकमिन्द्रः ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः साम सदाशिवाय नमः छोड़ जी प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि अब जल से संग्रह सबको ओम नमः संभवाय नमयो भवाय च नमः नमस्काराय नमः शिवाय देवतराय च ओम गणानां भवामहे प्रियाणां द्वादिगं भवामहे निधीनां द्वादिगं भवामहे वसो मम अहं जानि गर्वतां त्वं जाति गर्वतां अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि मिष्टनाथ सुभद्रिकां ओम श्री भगवते सांसदिवाय नमः महादेवाय नमः प्रार्थना भूतं नमस्कारां समर्पयामि मनः तिवसंकल्पमस्तु ओम श्री भगवते सांसदिवाय नमः प्रार्थना भूतं नमस्कारां समर्पयामि ओम श्री गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्समधि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं कर्तासि ब्रह्मादि जैसा कि आप देख सकते हैं आज शिवरात्रि का महापर्व है और यहाँ श्रद्धालु की लंबी कतार लगी हुई है मंदिर से पीछे बाहर तक लंबी कतार लगी है आइए जानते हैं आखिर श्रद्धालु Thank you.
श्रद्धालु को काफी अच्छा लगता है। यहाँ एक शिवजी का महाशिवलिंग है, ऐसा माना जाता है कि जो शिवलिंग को दिल से पूजा करता है उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं श्रद्धालु लंबी कतार लगी है, आइए जाते हैं आके श्रद्धालु। शिवरात्रि का महापर्व, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो तो डिवाइन है और उनका वर्ग है, मतलब पूरी वर्ल्ड से एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और मेरे मुनीश हैं। अगर इस मंदिर की बात करें, ऐसा माना जाता है कि हाँ जो भी मांगता है उसके बिगड़े काम बन जाता है, तो आपकी कितनी आस्था है? भगवान को कहीं से भी भगवान से वो पूरी करते हैं, हर मुराद बिल्कुल सही आपने बोला। आप क्या कहना चाहेंगे शिवरात्रि का महापर्व? हमारे यहाँ तो देखो भगवान जी की बहुत मान्यता होती है, इनके अलावा तो आगे कुछ सोचना नहीं है। जैसा कि आप देख सकती हैं यहाँ एक मैम खड़ी है, उनके हाथ में एक जल का लोटा भी है और कुछ देव है। आप दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आपके हाथ में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पंच और वेद पत्र अर्पित करने के लिए लाइन आप यहाँ पूजा करने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। शिवरात्रि आप मंदिर में यहाँ आए, आपको कैसा लग रहा है? पूजा की आप लोगों ने? आप शिवरात्रि आपको पता है क्यों मनाया जाता है? वो बेकार हो जाता है। अच्छा चलो हम चलो चलो आप पवन के शिव मंदिर में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ
जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर मौले प्रसाद का वहाँ प्रसाद बना है। आइए जानते हैं उसके बारे में। ये जो आप महाप्रसाद बना रहे हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। मौले बाबा का महाप्रसाद बन रहा है, समाप्ति खीर है, इसमें मखाने हैं और सारे मेवा डाले हुए हैं। ड्राई फ्रूट भी कितना अब तक आपने बना चुके हैं? अब कितने बनने की और उम्मीद रखती है? जब तक भगवान बनवाएंगे हमसे आसान पर चले। आपको ऐसी आस्था है कि भगवान हमसे कमी नहीं पड़ती अरे तुम इधर आओ, इधर आओ। आज पन्नी आ जा। ए तेरे पैसे मिलते भैया देना डाल दो ना। हमारे सीन डाल देना प्लीज। बेटा नीचे देख के जाओ। हां बेटा देख ले। ये रुको, तुम ये रुको। तो बीच में मम क्यों हो जाती है, शांत क्यों हो जाती है? बहुत अच्छा कार्यक्रम होता था मंदिर भवन में। पहले से ही मतलब शिवरात्रि मनाई जाती है। क्या पब्लिक जो है मतलब यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो भी मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ट्रस्ट वगैरह जो मतलब बता रहा कि वो एक मतलब कार्यक्रम करा रहे हैं, तो यहाँ के जो सारे श्रद्धालु हैं वो सब मिलकर इस कार्यक्रम करा रहे हैं। जो भारतीय बच्चे वहाँ पर फंसे गए वो सुख वापस आ सके और अपने आप को देख लिया करो मेरी तरफ। कोई कोई बजा रहा है,